welcome back to topper brains today we will study the chapter 11 gautam buddha so we will start before starting i would ri i would like to request you to subscribe the channel and like the video nearly 2500 years ago siddhartha gautam was born in kapilavastu nepal 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था यह ध्यान में रखना है कपिल वस्तु नेपाल हिज फादर वॉज किंग सुना एंड हिज मदर वॉज महामाया और सिद्धार्थ गौतम का जो पिताजी का नाम था वो सुदोदना और माता का नाम महामाया हिज मदर डाइड शॉर्टली आफ्टर हिज बर्थ और उसके बर्थ गौतम सिद्धार्थ गौतम का जन्म होने के कुछ देर बाद ही उनकी मदर का देहांत हो गया था डेथ हो गया था हिज फादर ब्रॉट हिम अप इन ग्रेट लग्जरी उनके जो फादर थे सुद्धोधना जो राजा थे वो सिद्धार्थ गौतम को बहुत ही लग्जरियस वे में उनका पालन पोषण किए थे बहुत ऐशो आराम में उनको रखे थे लग्जरी मतलब बहुत ऐशो आराम में उनको बड़ा किया इट वॉज प्रडिक्टेड अबाउट सिद्धार्थ दैट ही वुड बी आइदर अ ग्रेट किंग और अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर ऐसा ये माना जाता था ऐसा सब कोई अंदाजा लगाता था कि सिद्धा सिद्धार्थ गौतम जो है बड़े होकर के एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान महान धार्मिक लीडर बनेंगे ठीक है किंग सिद्धोदना वांटेड सिद्धार्थ टू बी अ ग्रेट किंग और सिद्धोदना किंग जो थे वो चाहते थे उनका बेटा सिद्धार्थ जो है वो बड़ा होकर के एक महान राजा बने वन डे सिद्धार्थ वॉज सिटिंग इन द गार्डन अ फ्लॉक ऑफ सॉन्स फ्लाइंग ओवर द गार्डन एक दिन सिद्धार्थ गार्डन में बैठा हुआ था और अ फ्लॉक ऑफ सॉन्स हंसों का ग्रुप जो है वो गार्डन में उड़ता हुआ पास किया सडनली अ सोन फेल डाउन और उनमें से एक हंस जो है वो नीचे गिर गया ही रैन एंड रीच नियर द स दौन वॉज वेड और वो दौड़ता हुआ दौड़ करके गौतम जो है वो दौड़ करके सोन के पास वो जो हंस है वो उसके पास पहुंचा और सोन जो है वो वेड था वो बहुत जख्मी था देयर वॉज एन एरो इन इट्स विंग और उसके विंग में उसके जो पंख है उसमें एक एरो घुसा हुआ था तीर घुसा हुआ था ठीक है ही पुल्ड इट आउट जेंटली और उसने आराम से उस एरो को धीरे से उसको निकाला ही नर्स द स्वान स्वान को उसने फास्टेड लगाया उसने दवाई दिया उसने ठीक है किसने सिद्धार्थ गौतम ने वो जख्मी हंस जो गिर पड़ा था उसका एरो जो है उसमें उसको तीर से लगा था तो वो तीर निकाला और उसको नर्स किया मतलब उसको दवाई पट्टी सब किया देन ही कजिन देव दत्ता केम एंड सेड गिव दिस स्वान टू मी और उसी समय उसका कजिन ब्रदर देव दत्ता जिनका नाम था देवदत्ता आए और बोले कि ये स्वान जो है मुझे दे दो आई हैव शॉट इट मैंने इसको मारा है सिद्धार्थ रिफ्यूज टू गिव एंड सेड यू हैव ट्राइड टू किल इट आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ आई विल नॉट गिव यू दिस स्वन सिद्धार्थ ने डायरेक्टली बोला मना किया रिफ्यूज़ किया मतलब मना किया और बोला कि तुमने इसको जान से मारने की कोशिश की यू हैव ट्राइड टू किल इट आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ और मैंने इसकी जान बचाई है इसलिए मैं इसको मैं इस स्वन को इस हंस को नहीं दूँगा एट लास्ट दे वेंट टू द किंग और दोनों लास्ट में किंग किंग के पास गए द किंग हर्ड बोथ ऑफ देम किंग ने दोनों की बातें सुनी द किंग सेड देवदत्ता हैज़ इंजर्ड द स्वन बट सिद्धार्थ हैज़ सेव्ड इट देवदत्ता हैज़ नो राइट टू टेक इट दिस दिस इज सिद्धार्थ स्वन और राजा ने दोनों की बातें सुनी और राजा ने ये डिसाइड किया कि देवदत्ता ने इस हंस को इंजर्ड इसको किया इसको जख्मी किया इसीलिए सिद्धार्थ इस और सिद्धार्थ ने इसको जान बचाया इसीलिए ये जो स्वन है इसको सिद्धार्थ को दिया जाना चाहिए यह सिद्धार्थ का स्वान है सिद्धार्थ का हंस है ठीक है देवदत्ता का कोई हक नहीं है इसमें क्योंकि देवदत्ता ने उस हंस को मारने का कोशिश किया था When सिद्धार्थ वॉज क्वाइट यंग ही बिगेन टू आस्क spiritual क्वेश्चन जब सिद्धार्थ यंग था मतलब बहुत छोटा था पंद्रह सोलह साल का उम्र था तो उस टाइम वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत पूछता था बहुत धार्मिक सवाल पूछता था इन ऑर्डर टू फुल हिज माइंड हिज फादर अरेंज हिज मैरिज और इन ऑर्डर टू फिल हिज माइंड और उसका माइंड को शांत करने के लिए उसका माइंड को उसका माइंड जो भटकता था स्पिरिचुअल तरफ धार्मिक धार्मिक चीज़ों के तरफ उसका माइंड बहुत ज़्यादा था तो ये सब को दूर करने के लिए उसके फादर ने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए और उसकी शादी करा दी गई ही वॉज मैरिड टू प्रिंसेस यशो यशोदरा एट द एज ऑफ सिक्सटीन सोलह साल की उम्र उम्र में महज सिद्धार्थ गौतम का शादी करा दिया गया किन से रानी यशोदरा से शी गेव बर्थ टू अ सन ही वॉज नेम्ड राहुल और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल तो सिद्धार्थ गौतम का शादी जो हुआ वो प्रिंसेस यशोदरा के साथ हुआ और उनका एक बच्चा हुआ बेटा हुआ जिनका नाम राहुल था वन वन डे सिद्धार्थ वॉज राइडिंग आउट इन हीज कैरियर ही सॉ अ रिंकल्ड ओल्ड मैन एक दिन सिद्धार्थ जो है अपने रथ से कैरियट मतलब रथ अपने रथ से कहीं सवार होकर के जा रहे थे और उसने देखा एक रिंकल्ड मैन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी रिंकल्ड का मतलब क्या होता है रिंकल्ड का मतलब होता है झुरियाँ आ जाना बूढ़े लोगों को आप लोग देखे होंगे कि चेहरे पे उनके स्किन पे हाथ में झूरिया आ जाती है उनका स्किन जो है लूज हो जाता है तो उसको ही बोलते हैं रिंकल्ड तो एक रिंकल बूढ़ा आदमी को देखा उसने अनदर डे ही वेंट आउट एंड सो अ सिक मैन और दूसरे दिन जब वो बाहर निकला सिद्धार्थ गौतम जब बाहर निकला पहला दिन सिद्धार्थ गौतम जब बाहर निकला अपने रथ में तो उसने एक रिंकल्ड ओल्ड मैन देखा बूढ़ा आदमी को देखा दूसरा दिन जब वो निकला तो ही sick man एक बीमार आदमी को देखा थर्ड टाइम ही saw अ फ्यूनरल डेड मैन और तीसरा समय में उसने एक समाधि देख लिया मतलब एक डेड मैन को ले जाया जा रहा था मरा हुआ व्यक्ति को तो उस चीज को जो ले करके जाते हैं सब मिल करके ग्रुप में उसको फ्यूनरल बोलते हैं जब कोई मर जाता है तब सब एकत्रित होते हैं एक जगह में उसको फ्यूनरल बोलते हैं तो फ्यूनरल को उसने सिद्धार्थ गौतम ने देख लिया तीनों चीज दिस साइड शॉकड हीम तीनों जो दृश्य था उसको सिद्धार्थ गौतम को बहुत झटका दिया ही हैड नो नॉलेज ऑफ सिकनेस ओल्ड एज और डेथ और उसके पास सिद्धार्थ के पास कोई ज्ञान नहीं था बीमारी का बूढ़ा होने का और मर जाने का ये सब क्या होता है उसको पता ही नहीं था द कैरियोटियर एक्सप्लेन हिम दैट सिकनेस ओल्ड एज एंड डेथ आर एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ आफ्टर सम टाइम ही सॉ अ होली मैन विद अ रेडियंट फेस ही डिसाइडेड टू बी सेंट और कैरियोटर जो था उसका रथ का जो सारथी था रथ को जो चला रहा था उसको कैरियोटर बोलते हैं कैरियोट को जो चलाता है उसको कैरियोटर बोलते हैं हिंदी में सारथी बोलते हैं तो सारथी ने उनको एक्सप्लेन किया सिद्धार्थ गौतम को कि बीमारी सिकनेस ओल्ड एज बुढ़ापा और मरना ये ये ज़रूरी चीज़ है लाइफ का लाइफ इसके बिना होता ही नहीं है लाइफ में जो आया है उसको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है सिकनेस से ओल्ड एज से डेथ से कभी लोग बीमार पड़ते हैं फिर बूढ़े होते हैं फिर मर जाते हैं तो ये लाइफ का एसेंशियल पार्ट है ये जरूरी पार्ट है ये होगा हो ही होगा लाइफ में तो कैरियोटर ने सिद्धार्थ को बताया आफ्टर सम टाइम ही सॉ अ होली मैन विथ अ रेडियंट फेस ही डिसाइडेड टू बी अ सेंट और कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने एक आदमी को देखा जिसका चेहरा जो था वो बहुत चमक रहा था और चेहरे पे उसकी खुशी झलक रहा था रेडियंट फेस मतलब जिसके चेहरे पे उसका खुशी झलकने लगे अंदर से वो खुश है उसके चेहरे पे भी दिखे कि वो खुश है तो वो देख करके सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि मैं एक सन्यासी बनूंगा सेंट बनूंगा ठीक है संत बनूंगा सन्यासी वन नाइट वन एवरी वन हैड गॉन टू स्लीप सिद्धार्थ लेफ्ट द पैलेस और एक रात की बात है जब सब लोग सो रहे थे तो सिद्धार्थ ने महल को छोड़ दिया पैलेस महल को छोड़ दिया सिद्धार्थ हु इज़ ऑल्सो नोन एज गौतम वेन टू द फॉरेस्ट सिद्धार्थ जिसको गौतम नाम से भी जाना जाता था वो जंगल में चले गए ही वॉन्डर्ड इन द हिमालयाज वो घूमते रहे भटकते रहे हिमालयाज में ही मेट मैनी सेंड्स टू नो द ट्रूथ ऑफ लाइफ उन्होंने बहुत सन्यासियों से मिला मिला और मिल कर के जीवन का सच्चाई को जानने का प्रयास किया जीवन के सच्चाई को जानने का कोशिश किया दे कुड नॉट सेटिस्फाई गौतमा और वो लोग वो सन्यासी लोग जो हैं वो गौतम को संतुष्ट नहीं कर पाए जवाब दे करके वो लोग का जो जवाब दिया वो सुन करके गौतम संतुष्ट नहीं हुआ ही रिच्ड गया इन बिहार फिर गौतम बुद्ध जो है अभी उनका नाम बुद्धा नहीं पड़ा है सॉरी गौतम जो है सिद्धार्थ गौतम जो है वो गया पहुंचा जो कि एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है ही सेट अंडर अ पीपल ट्री फॉर मेडिटेशन और वो पीपल के ट्री पीपल का पेड़ के नीचे बैठे बैठ के मेडिटेशन किए ध्यान लगाए ही कंटिन्यूड हिज मेडिटेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम और उन्होंने अपना जो ध्यान था उनको बहुत लंबे समय तक ध्यान लगाया मेडिटेशन किया ही सॉ लाइट और उन्होंने प्रकाश देखा ही हैड अ विज़न ऑफ ट्रूथ और उनके अंदर जो था वो सच्चाई का खोज था उनके अंदर में उनको सच्चाई का खोज करना था ही फेल्ट पीस उन्होंने शांति का अनुभव किया उनको शांति मिला देन ही बिकेम द बुद्धा द इनलाइटेंड वन और वो बुद्धा बने बुद्धा बने उनको ज्ञान प्राप्त हुआ इनलाइटेंड हुए वो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्धा वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू स्प्रेड द नॉलेज दैट ही गॉट और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ जो नॉलेज प्राप्त, प्राप्त हुआ वो वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहे और उस नॉलेज को फैलाते रहे स्प्रेड करते रहे ही फाउंडेड अ रिलीजन नेम्ड बुद्धिज़्म जैसे हिंदुज़्म होता है जैसे मुस्लिम होता है मुस्लिम धर्म होता है जैसे क्रिश्चन धर्म होता है ठीक है उसी तरह से गौतम बुद्धा भी एक धर्म को बनाया एक रिलीजन को बनाया जिसका नाम था बुद्धिज़्म ठीक है ही सेड ऑल थिंग्स विल डिके मैन ऑल्सो डाइज उन्होंने कहा सारी चीज़ें जो है वो एक दिन सड़ जाएंगी ख़त्म हो जाएंगी और इंसान जो है वो एक दिन मर जाएगा एज लॉन्ग एज मैन डज नॉट गिव अप रॉन्ग डिज़ायर्स ही विल सफ़र जब तक इंसान जब तक इंसान अपने गलत आदतों तो को छोड़ता नहीं है तब तक गलत आदतों को छोड़ता नहीं है और गलत चाह को छोड़ता नहीं है तब तक वो तड़पता रहे रहेगा तब तक वो मुश्किल को झेलता रहेगा तब तक उसके लाइफ में मुश्किल आते रहेंगे मतलब उनका कहना था कि हम लोगों को अच्छा सोच रखना चाहिए और हम लोगों को गलत काम नहीं करना चाहिए मॉन्ग्स मस्ट फॉलो द नोबल एट फोल्ड पाथ ऑफ विजडम विजडम का मतलब होता है विजडम का मीनिंग होता है गुड नॉलेज ज्ञान नॉलेज ठीक है तो मॉन्ग्स मॉन्स मतलब जो सन्यासी होते हैं साधु होते हैं उनको आठ आठ रास्ता ज्ञान का आठ रास्ता को मानना चाहिए दे आर राइट थाट मतलब सही सोच राइट right डिज़ायर मतलब सही चाह राइट right स्पीच मतलब सही बातचीत करना राइट right कंडक्ट मतलब सही काम करना राइट वे ऑफ लिविंग मतलब सही से जीना राइट right एफर्ट जो कोशिश करते हैं वो सही कोशिश करना राइट right माइंडफुलनेस मतलब दिमागी तौर पर सही रहना और दिमाग को सही जगह पे लगाना और राइट प्लेजर मतलब सही आनंद को लेना ये आठ चीज था ये आठ रास्ता था जो कि किसको फॉलो करना था मॉन्ग्स को फॉलो करना था मतलब साधु लोगों को ये आठ चीज फॉलो करना था ये आठ चीज मानना था ये किन के द्वारा दिया गया ये गौतम बुद्ध के द्वारा ही बताया गया फॉर ऑर्डिनरी पीपल गौतम है डिसाइडेड ईजियर फाइव फोल्ड पाथ और आम आदमी के लिए आम आदमी के लिए ऑर्डिनरी पीपल आम आदमी के लिए गौतम बुद्धा ने डिसाइड किया पांच रास्ता ठीक है साधुओं के लिए आठ रास्ता डिसाइड किया और आम आदमी के लिए पांच रास्ता वो पांच रास्ता क्या था दे शुड नॉट किल एनी क्रिएचर कोई भी जीव जंतु को लोग ना मारे दे शुड नॉट स्टील एनी लोग कभी भी कोई चोरी ना करे दे शुड नेवर टेल लाई लोग कभी भी झूठ ना बोले दे शुड नाट लूज देयर कैरेक्टर लोग अपना जो चरित्र है उसको कभी ना खोए दे शुड नाट ड्रिंक वाइन लोग कभी शराब ना पिए तो ये पाँच रास्ता था जो ऑर्डिनरी मैन मतलब आम जनता को हम लोगों को मानना चाहिए अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा गौतम बुद्धा ने ये ज्ञान दिया ही सेड हैव पिटी फॉर दोज हु आर इन पेन हम लोगों को दया रखना चाहिए उनके लिए जो लोग दर्द में हैं अगर कोई लोग दर्द में हैं कोई लोग कष्ट में है तो उनके लिए हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए इग्नोरेंस इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल एविल्स जितने भी गलत काम हैं उनमें से इग्नोरेंस जो है वो सबसे बड़ा गलत काम है इग्नोरेंस मतलब किसी को तड़पता देख किसी को दुख में देख हम लोग जब इग्नोर कर देते हैं उसको छोड़ देते हैं तो इसको ही इग्नोरेंस बोल रहा है तो सारे गलत कामों में इग्नोरेंस जो है वो सबसे बड़ा गलत काम है नॉलेज ब्रिंग्स लाइट ज्ञान जो है प्रकाश लाता है नो मैन इज लोअर देन अनदर कोई भी आदमी दूसरे आदमी से कम नहीं होता है अ मैन शुड बी जज्ड ओनली बाई हीज डिड्स एक आदमी को जज किया जाना चाहिए उसके कर्मों से ना कि उसके धन दौलत उसके गाड़ी बंगला से कोई आदमी के पास गाड़ी बंगला है और बहुत सारा पैसा है तो वो बहुत वो महान नहीं हुआ महान आदमी तभी कहलाता है जब वो अच्छा काम करता है जब वो अच्छा डिड करता है ठीक है अच्छा कर्म करता है अ लॉट ऑफ पीपल बिकेम फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा दे स्प्रेड हिज मैसेज एवरीवेयर बहुत सारे लोग जो हैं लॉर्ड बुद्धा का फॉलोअर बन गए लॉर्ड बुद्धा का चेला बन गए और उनका जो मैसेज था वो पूरा दुनिया में चारों तरफ फैलाने लगे देर वॉज़ इफ़ेक्ट ऑफ इज टीचिंग और उनका जो टीचिंग था उनका जो ज्ञान देना था उनका जो शिक्षा था वो चारों तरफ फैलने लगा और उनका जो इफेक्ट था वो नोबल्स मतलब अच्छे लोगों से क्रिमिनल्स तक भी पहुँचने लगा नोबल लोग तो अच्छे लोग होते हैं अच्छे लोग तो उसका उनका जो शिक्षा था उनको तो उनका जो सीख था गौतम बुद्धा का उसको तो मानते ही थे लेकिन क्रिमिनल्स लोग भी उसका बात मानने लगे गौतम बुद्धा का क्रिमिनल्स मतलब गुंडा डकैत किलर अ सीरियल किलर नेम्ड अंगुली माल लिव्ड इन अ फॉरेस्ट आई होप कि आप लोग ये चैप्टर एंजॉय कर रहे हैं और अंगुली माल डाकू का नाम तो आप लोग सुना ही होगा अंगुली माल ऐसा डाकू था जो लोगों को काट डालता था मार डालता था और उनका उंगली को काट करके अपने गले में माला बना लेता था ये देखो इनके गले में एक माला है जो उंगली का माला बनाया हुआ जिसको ये मारता था उसका उंगली काट के ये माला बना लेता था और इसी के लिए इसका नाम पड़ा था अंगुली माल डाकू ठीक है तो सीरियल किलर था अंगुली माल डाकू जंगल में रहता था ही गॉट दिस नेम ड्यू टू हिज गारलैंड जो उसका माला था गारलैंड बोलते हैं माला को तो उसके माला के कारण ही उसको ऐसा नाम पड़ा था वेन एवर ही किल्ड अ मैन ही वुड कट हिज फिंगर एंड एड इट टू हिज गारलैंड वन डे गौतम बुद्धा वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट एक दिन गौतम बुद्धा उस फॉरेस्ट से जंगल से गुजर रहे थे सडनली अंगुली माल अपियड बिफोर हिम एंड ऑर्डर हिम टू स्टॉप अचानक से अंगुली माल डाकू सामने आया और गौतम बुद्धा को रुकने के लिए कहा गौतम बुद्धा ने कहा आई हैव स्टॉप्ड बट वेन विल यू स्टॉप गौतम बुद्धा ने कहा मैं तो रुक गया तुम कब रुकोगे ये सुन करके अंगुली माल कुड नॉट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग और अंगुल अंगुली माल को इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आया कि ये क्या जवाब दिया इसने बुद्धा टोल्ड हिम टू तो प्लक अ लीफ फ्रॉम द ट्री बुद्धा ने उसको कहा कि जाओ उस ट्री से एक पेड़ से एक पत्ता को तोड़ करके लाओ प्लक मतलब तोड़ना प्लक अ लीफ फ्रॉम द ट्री ही डिड इट इजीली वो बहुत आसानी से एक पत्ता को तोड़ के ले आया बुद्धा टोल्ड हिम टू तो फिक्स इट अगेन ऑन द ट्री बुद्धा ने कहा कि इस पत्ते को फिर से जा करके कर वहीं लगा दो जहाँ से तुमने इसे तोड़ा ही कुड नॉट डू सो और वो पत्ता को जोड़ नहीं पाया आप भी कोशिश कर सकते हैं जाकर के एक पत्ता को तोड़िए और फिर जा के जोड़ने का कोशिश कीजिए देखिए तो हो रहा है कि नहीं और कमेंट में बताइएगा मुझे देन बुद्धा सेड इफ यू कैन नॉट गिव लाइफ टू एनीमन अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते यू हैव नो राइट टू टेक हिज लाइफ तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उसका जीवन को लेने का अगर तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है किसी का जीवन लेने का भी यू शुड स्टॉप किलिंग तुम लोगों को मारना बंद करो अंगुली माल फेल ऑन हिज फिट फेल ऑन द फिट ऑफ लॉर्ड बुद्धा और भगवान बुद्धा के चरणों में अंगुली माल गिर गया ही बिकेम हिज डिसाइपल और अंगुली माल डाकू जो है वो उनका डिसाइपल बन गया डिसाइपल माने उनका चेला बन गया और वो लॉर्ड बुद्धा को अपना गुरु बना लिया फ्रॉम दैट डे ही फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस और उस दिन से अंगुली माल डाकू जो है वो अहिंसा का रास्ता चुन लिया मतलब हिंसा करना बंद कर दिया मार काट करना बंद कर दिया गौतम बुद्धा वेंट टू कपिल वस्तु गौतम बुद्धा कपिल वस्तु पहुँचे ही कन्वर्टेड हिज फादर एंड फैमिली टू हिज वे ऑफ लाइफ और वो अपने फादर और अपने पूरे फैमिली को धर्म को परिवर्तन कराया और बुद्धिज्म को अपनाया और अपना जो नॉलेज था उसको उसको उन लोगों ने लाइफ में फॉलो करवाया उन लोगों से फैमिली मेम्बर से हीज़ सन उनका जो बेटा था राहुल बिकम अ मोंग उनका बेटा जो राहुल था वो भी एक साधु सन्यासी बन गया हिज़ वाइफ यशोधरा उनकी जो वाइफ थी बिकेम अ नन नन का मतलब भी वही होता है साधु सन्यासी तपस्विनी जो तपस्वी कर तपस्वी तपस्या करती है मैन ऑफ ऑल कास्ट बी गेम इज़ फॉलोअर सारे कास्ट सारे जाति के लोग जो है गौतम बुद्ध का फॉलोअर हो गए ही इज टीचिंग स्प्रेड टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड बियड और उनका जो टीचिंग था उनका जो ज्ञान था उनका जो नॉलेज था उनका जो शिक्षा था वो देश के सारे कोने कोने तक पहुंच गए और उससे ज़्यादा भी मतलब देश के बाहर तक पहुंचने लगे दुनिया में पहुँचने लगे ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस इन द वर्ल्ड और उन्होंने गौतम बुद्धा ने नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा का रास्ता जो है अहिंसा का मैसेज जो है पूरे दुनिया में पहुँचाया बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ एटी इन कुशीनगर बुद्धा जो थे लॉर्ड बुद्धा वो अस्सी साल के उम्र में कुशीनगर में अपना दम तोड़ दिए उनका दे, देहावसन हो गया उनका डेथ हुआ तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं क्लास फाइव के बच्चे जरूर कमेंट कीजिए ये कैसा लगा कोई क्वेश्चन है तो रेज कीजिए क्वेश्चन फिर हम लोग ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर व्हाट वाज द व्हाट वाज प्रेडिक्टेड अबाउट सिद्धार्थ सिद्धार्थ के बारे में क्या प्रडिक्शन होता था कि वन डे सिद्धार्थ विल बिकम वन डे सिद्धार्थ विल बिकम अ ग्रेट किंग और अ ग्रेट सेंट और अ ग्रेट और अ ग्रेट लीडर किस चीज में लीडर स्पिरिचुअल लीडर वन डे सिद्धार्थ वुड बिकम अ ग्रेट किंग और अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर पहला का आंसर व्हाई वाज द स्वान गिवेन टू सिद्धार्थ स्वान जो था हंस सिद्धार्थ को क्यों दिया गया क्योंकि सिद्धार्थ ने उसका जान बचाया था स्वान वाज गिवेन टू सिद्धार्थ बिकॉज़ सिद्धार्थ सेफ्ड हिज सेव्ड इट्स लाइफ व्हाई वाज सिद्धार्थस मैरिज अरेंज सिद्धार्थ का मैरिज क्यों अरेंज किया गया था सिद्धार्थज मैरिज अरेन्ज्ड टू फुल टू फिल हिज माइंड हाउ शुड अ मैन बी जज्ड एक मैन को कैसे जज किया जाना चाहिए अ मैन शुड बी जज्ड बाई हीज डिड्स उसके कर्मों से उसको जज करना चाहिए मैन के हु मॉल अंगोली माल अंगोली माल वॉज अ सीरियल किलर हु एंड कट हीज कट हीज फिंगर एंड एंड फिक्स इट In his garland, what did Gautam Buddha tell Angulimal to do? Gautam Buddha told Angulimal to pluck a leaf from the tree and again and again fix it in its place. फिर यहाँ पे MCQ question है वहाँ पर सिद्धार्थ वाज़ born सिद्धार्थ गौतम कहाँ जन्म हुआ था कपिलवस्तु सिद्धार्थ's mother सिद्धार्थ's mother died shortly after his birth. सिद्धार्थ की मम्मी बहुत जल्दी डाई कर गई थी वॉट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई स्काई में स्वान फ्लाई हो रहा था हु हैड अ रेडियंट फेस चमकता हुआ खुशियों से भरा हुआ फेस किसका था होली मैन का था पवित्र मैन का था वैन डिड सिद्धार्थ लीव द पैलेस सिद्धार्थ ने रात को अपना महल छोड़ दिया पैलेस को छोड़ दिया गौतम बुद्धा गॉट गौत नॉलेज अंडर अ पीपल ट्री ट इज नेम ऑफ रिलीजन फाउंडेड बाई गौतम के द्वारा कितना पाथ फॉलो करना था कॉमन पीपल को फाइव पाथ फॉलो करना था और मॉन्ग्स को कितना करना था एट यहां फिली ब्लैंक्स सिद्धार्थ सिद्धार्थ डैश अप इन ग्रेट लग्जरी सिद्धार्थ वॉज ब्रॉट अप

लॉर्ड बुद्धा, मतलब हम लोगों को दया रखना चाहिए जिनको दर्द हो रहा है उनके प्रति लॉर्ड बुद्धा डैश हिज फैमिली लॉर्ड बुद्धा कन्वर्टेड टू हिज वे ऑफ लाइफ कन्वर्टेड है यस है कन्वर्टेड अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को इस चैप्टर से एकदम रट लेना है याद कर लेना है कि सिद्धार्थ गौतम जो था गौतम बुद्ध जो था उनके बारे में ये पॉइंट्स गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस क्या था कपिलवस्तु। वस्तु मदर्स नेम क्या था महामाया फादर्स नेम क्या था शुद्धोदना वाइफ्स नेम क्या था यशोधरा सन्स नेम क्या था राहुल कजिन्स नेम क्या था देवदत्ता द प्लेस वेर ही गॉट नॉलेज उनको नॉलेज प्राप्त कहाँ हुआ था बोध गया बिहार में रिलीजन फाउंडेड क्या था उनके द्वारा बुद्धिज्म द प्लेस वेयर ही डाइड कुशीनगर में वो उनका डाई वो डाई किए मर गए ही बिकेम फेमस एज गौतम अभी यहाँ पे ये फिलिंद ब्लैंक्स ये आपको कलेक्टिव नाउन यहाँ पे है कलेक्टिव नाउन यहाँ पे फिलअप करना है अ डैश ऑफ पीपल क्या होगा क्राउड ऑफ पीपल एंड डैश ऑफ सोल्जर यहाँ पे आर्मी ऑफ सोल्जर एंड डैश ऑफ म्यूजिशियन ऑर्केस्ट्रा एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ अ डैश ऑफ डायरेक्टर्स अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डैश ऑफ बीज ऑफ बीज हाइव ऑफ बीज हाइव ऑफ मंकीज ऑफ मंकीज ऑफ मंकीज अ पैक ऑफ कार्ड्स ये पैक ऑफ कार्ड अफ माउंटेन्स रेंज ऑफ माउंटेन्स यहाँ पे रेंज है अ डैश ऑफ आइलैंड्स क्या होगा इसमें अ डैश ऑफ आइलैंड्स में अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अ बुके ऑफ फ्लावर्स ऑफ फ्लावर्स नेक्स्ट आप फिलिंदी ब्लैंक्स यहाँ से देख करके कर ले सकते हैं इसके बाद यहाँ पे रिलीजियन दिया हुआ है ये सारे रिलीजियन हैं और इनका होली बुक इनका जो धर्म ग्रंथ है इनका जो पवित्र बुक है उसका नाम लिखना है और उनका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है कहाँ उनका पूजा होता है ये लिखना है हिंदू हिंदू का जो पवित्र किताब है वो इनमें से चुनना है आपको यहाँ से तो हिंदू का पवित्र किताब है वेदाज वेद और इनका पूजा का स्थल क्या है हिंदू लोगों का टेम्पल ठीक है उसी तरह सिख का क्या है गुरु ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब ठीक है गुरु ग्रंथ साहिब और गुरुद्वारा इनका टेम्ब प्लेस ऑफ वर्सिप है क्रिश्चियन का बाइबल है और उनका प्लेस ऑफ वर्सिप है चर्च मुस्लिम का कुरान होता है होली बुक और उनका मंदिर जो हम लोगों का मंदिर होता है हिंदुओं का वैसे मुस्लिम का क्या होता है मॉस्क मस्जिद मस्जिद को मॉस्क बोलते हैं पारसी पारसी का जैन एवेस्टा होता है उनका होली बुक और उनका जगह होता है पूजा करने का फायर टेम्पल और जीव जीव का क्या होता है टोरा बुक का नाम है उनका होली बुक का टोरा और उनका जो वर्शिप का प्लेस है वो सिनाकॉग ठीक है सिनाकॉग यहाँ से आपको प्लेस ऑफ वर्शिप मिल जा रहा है यहाँ से आपको होली बुक मिल रहा है तो आई होप कि वीडियो अच्छा होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए थैंक यू एंड हैव डे